जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसा क्या करें कि एक हफ्ते में खराब से खराब चेहरा भी चमकने लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी स्किन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमें अपनी स्किन का, अपने फेस की केयर करने का बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है और अनदेखी करने के कारण हमारा फेस धीरे धीरे डैमेज होता रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एक समय आने पे बहुत ज़्यादा हमारी स्किन रूखी सूखी निर्जीव सी दिखने लगती है। उसके बाद अचानक जब अपनी स्किन पे हमारा ध्यान जाता है तो हमें लगता है हमारा फेस तो बहुत ख़राब हो गया। कभी कभी ऐसा भी होता है जब तक हमारी स्किन पे हमारा ध्यान जाता है उसके 4-5 दिन के अंदर ही हमें कहीं ऐसे फंक्शन में जाना होता है, किसी ऐसी जगह में जाना होता है जहाँ जाने से फिर हम कतराना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है हमारा तो फेस ख़राब है, हमारी स्किन बिल्कुल भी ग्लो नहीं कर रही है। ये बहुत तरह की बातें हमारे माइंड में घूमने लगती हैं। तो आज आपको एक ऐसा फेस पैक बता रही हूँ जिससे कि 3 दिन के अंदर आपका जो फेस है ग्लो करना शुरू कर देगा। बस इसको आपको सुबह और शाम 2 टाइम करना होगा और बहुत ही ये मतलब कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही पौष्टिक और आपकी स्किन को पोषण देने वाला फेस पैक है। और ये बहुत ही कम चीज़ों से बनेगा लेकिन आपकी स्किन को पूरी तरीके से रिपेयर कर देगा, आपकी स्किन को पूरी तरीके से चमका देगा। आप इसको करके देखिए। सबसे पहली चीज़, आपको अपने हाथ के ऊपर 1/2 चम्मच एकदम गाढ़ा दही लेना है और उसकी एक पतली लेयर अपने फेस और गर्दन तक फैला देनी है। फिर इससे आपको 5 से 7 मिनट तक हल्के हाथों से अपने फेस के ऊपर मसाज देनी है और 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 15-20 मिनट के बाद में आपको 1/2 चम्मच सूखा बेसन अपनी हथेली पर लेना है, इस तरीके से मलना है, या आप चाहें तो इस बेसन को ऐसे ही सूखा अपने इसी फेस के ऊपर चिपका दीजिए, क्योंकि आपने पहले से दही लगा रखा है तो हल्की सी नमी तो फेस के ऊपर रहेगी। आजकल थोड़ा सा पसीना भी आता है ज़्यादा, तो सूखा बेसन अपनी स्किन के ऊपर चिपका दीजिए, फिर धीरे धीरे हल्के हाथों से मसाज देते हुए इसको 1-2 मिनट की मसाज दे करके उतार दीजिए। बेसन से क्या होगा, सूखा बेसन जब आप लगाएंगे तो दही की जो एक्स्ट्रा चिकनाहट होगी वो बेसन के साथ में निकल जाएगी। उसके बाद में आप अपने फेस को सादे पानी से धो के क्लीन कर लें। अगर आपका फेस ज़्यादा बड़ा है या आपकी स्किन ऑयली है, आपको लग रहा है 1/2 चम्मच बेसन कम हो रहा है और चिकनाहट ख़त्म नहीं हो रही, तो आप बेसन की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको सूखा बेसन लगाने में दिक्कत हो रही है तो आप 1 चम्मच बेसन लेकर के उसका एक थोड़ा सा गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिएगा, अपने फेस के ऊपर उसको फैलाइएगा, फिर धीरे धीरे मलते हुए 1-2 मिनट की भी हल्की सी मसाज देते हुए सादे पानी से धो लीजिएगा। इससे आपके जो दही का असर होगा आपकी स्किन के अंदर जा चुका है लेकिन जो एक्स्ट्रा उसकी चिकनाहट होगी वो निकल जाएगी। फेस को धोने के बाद में कोई भी अपनी पसंद का मॉइस्चराइजर लगा लीजिए जो आपको सूट करता है। तो ये जो दही की मसाज वाली क्रिया है ये आपको सुबह और शाम 2 टाइम करनी है। अब आप किस समय सुबह में आप 10 बजे टाइम निकालेंगे, एकदम उठते ही धो लेंगे, या रात को कितने टाइम, तो ये आपको फिक्स करना है। यानी मतलब टोटल हर दिन में आपको 2 बार करना है अगर आपका फेस ख़राब हो चुका है तो। अगर नॉर्मल है तो आप एक ही बार में इसको ऐसा करके और अपना फेस अच्छा कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर एक फेस पैक भी बनवा रही हूँ। आपको 2 चम्मच कच्चा दूध लेना है, उसी 2 चम्मच कच्चे दूध के अंदर 1/2 चम्मच चावल का आटा मिक्स करना है और 1/2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी का पाउडर मिक्स करना है। इसी के अंदर आपको 1/4 चम्मच शहद मिक्स करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी मिक्स नहीं करना है। बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए। अगर आपको ये मिश्रण गाढ़ा लगे तो इसके अंदर ज़रूरत के हिसाब से आप गुलाब जल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं या नींबू की कुछ बूंदें डाल सकते हैं, या आप इसके अंदर कुछ बूंद कच्चा दूध और मिक्स कर सकते हैं। फिर इसको अपने फेस और गर्दन के ऊपर फैला लीजिए, 20-25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और सादे पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। लेकिन ये आपको रोज़ करना है और 3 दिन में आप देखेंगे आपका फेस कई गुना ग्लो करने लगा है। और अगर रेगुलर इसको आप 40 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, आपके फेस के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएंगे, डार्क सर्कल ख़त्म हो जाएंगे, झाइयाँ समाप्त होने लगेंगी, मुहासों की अगर समस्या है तो मुहासे ख़त्म होने लगेंगे, अगर आपकी स्किन सांवली है तो रंग साफ होना शुरू हो जाएगा। आप इतना करके देखिए, जब आपको फ़ायदा लगे तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये फेस पैक अच्छा लगा है।
उसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं, कोई प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं, कोई आपकी स्किन रिलेटेड समस्या है तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।